मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, खेती किसानी के अलावा पशुपालन भी किसानों की आय हासिल करने का एक अच्छा जरिया है। फिलहाल भारत में गाय भैंस भेड़ बकरी पालन का चलन ज्यादा है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी है जहां ऊंट पालन बड़े पैमाने पर होता है। ऊंटनी का दूध भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। गुजरात और राजस्थान उन्हीं राज्यों में शामिल है और अब राजस्थान सरकार ने ऊंट पालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने ऊंट पालन को अधिक बढ़ावा देने और उन्हें बचाने के लिए 10,000 रुपए का अनुदान देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 2.60 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत पशुपालकों की तरफ से मादा ऊंट और बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र जारी किया जाएगा। पशु चिकित्सक को हर पहचान पत्र के लिए 50 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। वहीं पहचान पत्र जारी करने के बाद ऊंट मालिक को 5,000 रुपए की पहली किस्त दे दी जाएगी। वहीं ऊंट के बच्चे की उम्र 1 साल होने पर पशुपालक को दूसरी किस्त के 5,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर ऊंट पालक को 10,000 रुपए मिलेंगे। आसान भाषा में आपको समझाऊं, जैसे कि आप घर में ऊंट वगैरह पालते हैं तो मादा ऊंट एवं बच्चे को टैग लगाकर पहले उसको पहचान पत्र दिया जाएगा, उसके बाद 5,000 रुपए की पहली किस्त ऊंट पालक के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। और जब मादा ऊंट का बच्चा पूरा 1 साल का हो जाएगा उसके बाद दूसरी किस्त के रूप में भी 5,000 रुपए लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। पशु चिकित्सक आपको पहचान पत्र बनाकर देगा और पशु चिकित्सक को इस दौरान प्रत्येक पहचान पत्र के लिए 50 रुपए प्रति पहचान पत्र की दर से मानदेय तय किया गया है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, आवेदनकर्ता राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और आवेदनकर्ता को ऊंट पालने का प्रमाण पत्र देना होगा ताकि यह पता लग पाए कि ऊंट समय उसके ही है। और बड़ी बात यह है, योजना में आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने क्षेत्र के पटवारी अथवा सरपंच से संपर्क करना पड़ेगा, और अगर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जल्द ही सरकार इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट जारी कर देगी, क्योंकि सरकार ने अभी हाल ही में 14 नवंबर के आसपास इस क्रम में उष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया है। दरअसल आपको बता दूं, राजस्थान में ऊंटों की संख्या हर दिन कम हो रही है और ऊंट पालक बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु भी है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में फिलहाल करीब 2 लाख ऊंट ही बचे हैं, जबकि 2019 में हुई पशु गणना में ऊंटों की संख्या 2.5 लाख से अधिक थी और 2012 में पशु गणना में यह संख्या 4 लाख पाई गई थी। लगातार घटती हुई संख्या को देखकर सरकार ने ऊंटों की सुरक्षा के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा राज्य सरकारों से भी ऊंट के पालन पर किसानों को वित्तीय सहायता सरकार उपलब्ध करवाएगी। और उष्ट संरक्षण योजना का भी मुख्य उद्देश्य यही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश में घटती ऊंटों की संख्या में रुकावट लाकर ऊंट पालन को बढ़ावा देना है। आपको बता दूं, भारत में ऊंटों की 9 नस्लें पाई जाती है। इसमें राजस्थान की बीकानेरी, मारवाड़ी, जालेरी, जैसलनेरी और मेवाड़ी नस्लें शामिल है। व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो बीकानेर और जैसलमेरी ऊंटों की नस्लें सबसे अनुकूल होती है, जो कम देखरेख के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भी जीने की अद्भुत क्षमता रखती है। फिलहाल बड़ी अपडेट यह है, उष्ट संरक्षण योजना के लाभार्थी को कुल 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, जो 2 किस्तों में प्रदान किए जाएंगे। पहली किस्त मादा ऊंट के बच्चे के जन्म के समय और दूसरी किस्त बच्चे के 1 साल पूर्ण होने पर दी जाएगी।